कैसे हो आप लोग फ्रेंड। वेलकम बैक टू सुमन की रसोई। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, होली आ रही है, आलू के पापड़ बनाने की रेसिपी। देखिए किस तरह से बनाएं। आप हर समय खा सकते हैं, व्रत में भी, और जब मन करे तब फटाफट भून लीजिए या तो छान लीजिए, तल लीजिए और खा लीजिए। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए 4 से 5 आलू ले रखी हूँ, छील के, बॉयल करके छील के। अब मैं इसको कद्दूकस करके, 1 किलो आलू मैंने बॉयल कर रखा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। मैं पापड़ भी ऐसा बनाती हूँ कि व्रत आ रहा है, नवरात्र, नवरात्रि 9 दिनों का, कभी भी आप ऐसे बनाइए कि कभी भी खा सकते हैं आप। देखिए हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब आप गरम गरम आलू यदि बॉयल कर रहे हैं और छीलने के बाद आप तुरंत मैश, वैसे हाथ से ही मैश कर सकते हैं या तो कटोरी गिलास से। देखिए हमने गरम गरम आलू ही, इतने आलू हमने पहले ही मैश कर लिए थे, आपको दिखाने के लिए मैंने बता दिए। देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे गर्म था तभी मैश कर लिए थे। अब मैं आपको दो भागों करके दो तरह के बताऊंगी आपको पापड़ बनाने की, बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं आलू के पापड़। देखिए हमने आधा आधा आलू कर लिया है। अब इसमें मैं काली मिर्च कुटी हुई मैंने पाउडर बना रखी हूँ, काली मिर्च और जीरा, ये दोनों मसाले डाल के मैं ये पापड़ अलग बनाऊंगी। और नमक सेंधा नमक ले ली हूँ व्रत में, जो खा सके। अब ये अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं दूसरा भी दिखा रही हूँ आपको। देखिए अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं, घर की कुटी हुई है लाल मिर्च डाल दिए। अपने आप जितना तीखा खाते हो अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और जीरा, दोनों पापड़ बहुत ही टेस्टी है बनेंगे, आप जरूर ट्राई करें। और नमक थोड़ा हल्का ही डालेंगे, क्योंकि पापड़ में हल्का ही नमक अच्छा लगता है, तलने के बाद सही हो जाता है, इसलिए थोड़ा हल्का ही नमक डालेंगे। और आप डालेंगे धनिया पत्ती, आप चाहो तो धनिया पत्ती नहीं डालें, लेकिन धनिया पत्ती भी डाल के मैं बना रही हूँ। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए आप इस तरीके से गोल गोल बना लेंगे, क्योंकि बनाए रहेंगे तो बनाने में आसानी रहेगी। और हमने तेल में नहीं, मैं देसी घी ले रखी हूँ गर्म करके, इसलिए मैं घी लगा लेंगे। हाथ चिपक रहा है तो घी लगा लीजिए, मैं देसी घी में ही बनाऊंगी। और अपना आराम से एयर प्रूफ कंटेनर में रख दीजिए, सालों साल चलता रहेगा, बहुत ही जब मन करे बहुत ही अच्छा रहता है खाने के लिए। कभी भी आप झटपट भून भी सकते हैं और छान भी सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम चल रहे, अच्छा बना के आपको दिखाते हैं। देखिए मैं पन्नी फैला रखी हूँ और एक पन्नी ले रखी हूँ बनाने के लिए। और मैं इसमें एक तरफ तो मैं इस पे घी लगाऊंगी, इस नीचे वाले पन्नी पे, और मैं इसमें घी लगाऊंगी, ये अच्छे से छूट जाए, चिपके ना। आप चाहो तो पूरे में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने जा रही हूँ, आप देखिए पूरी वीडियो देखिएगा।
अब ये सूख भी जाता है, आप अपने हिसाब से पतला मोटा कर सकते हैं। देखिए ये हमने इसी पे रख दिया जिस पे फैलाना है धूप में, आप धूप में भी कर लो या तो रात में बना लो पंखे में, सुबह धूप में फैला दीजिए, खराब नहीं होता। और मैं ऐसे रख दी पन्नी। अब देखिए बेलने वाले बेलन से भी बेल सकते हैं, कितने लोग हाथ से भी बेलते हैं। और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से, और लोग मशीन से भी बनाते हैं लेकिन हर किसी के पास मशीन उपलब्ध नहीं है, तो आप सबसे इजी तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए मैंने छोटी थाली ले रखी हूँ, छोटी थाली से बीच में रख के बिल्कुल आराम से ऐसे देखिए इस तरीके से मैं प्रेस कर दूंगी, दबा दूंगी इसे धीरे से। देखिए ऐसे हो गया, और फिर आप आराम से दबा सकती हैं। अब आप अपने हिसाब से मोटा पतला कर लीजिए। देखिए अब मैं इसे हाथ से थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगी इस तरीके से। फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और फ्रेंड कमेंट में लिख के जरूर बताएं। देखिए कितने ही मैंने इतना बड़ा कर दिया है, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी। देखिए कितने ही आसानी से ये आराम से बिल्कुल एक छूट गया, बिल्कुल कोई झंझट नहीं होती, आराम से छूट गया। अब इसी तरीके से मैं दूसरा वाला पापड़ बनाऊंगी, क्योंकि दोनों व्रत के ही सेंधा नमक से बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको भी बना के दिखाती हूँ आपको। इसी तरीके से बनेगा, जैसे ये बनाई हूँ ऐसे इसे भी बना दूंगी। आप हाथ से भी बना सकते हो उंगलियों के सहायता से, लेकिन इसे थोड़ा टाइम लगता है और ऐसे थाली से फटाफट हो जाता है। देखिए झटपट बनके तैयार हो गया, इसलिए सबसे इजी रेसिपी है, आप ट्राई जरूर करें। देखिए इस तरीके से मैं सारे पापड़ बना लूंगी। अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।